अखिलेश खेत पर ये दोपहर का खाना जल्दी लेके आया करो। काम करते करते मेहनत करते करते भूख लगने लगती है, बहुत तेज भूख लगी है। तुम खाना बहुत लेट लेकर आए हो। अरे मोदी जी जल्दी से डिब्बा खोलो, चावल ठंडे हुए जा रहे हैं। जरा डिब्बा खोल कर देखो आज अखिलेश क्या पका कर लाए। अरे डिब्बा खुले भी तो बहुत टाइट बंद है ये डिब्बा, कितनी कसकर बंद करके लाए हो डिब्बा अखिलेश तुम। एक तो इतनी तेज भूख लग रही है, ऊपर से ये डिब्बा खुलने में नहीं आ रहा है। सारे के सारे चावल ठंडे हुए जा रहे हैं। गरम गरम सब्जी चावल खाते हुए मजा आता है खेत पर। अरे मोदी जी मैं आपसे कितनी बार कह चुका हूँ डिब्बे को बदल दो, लेकिन तुम मेरी एक नहीं सुनती हो। अरे ये डिब्बा बहुत टाइट बंद होता है और बहुत ही टाइट खुलता है। मैंने इतनी बार बोला है कि डिब्बा चेंज कर लो, दूसरा डिब्बा ले आओ बाजार से खरीद कर। और मोदी जी कल से मेरा खेत पर काम करने का दिन है और राहुल का खाना बनाने का दिन है। बिल्कुल अखिलेश मुझे याद है, एक दिन खाना मैं बनाता हूँ, एक दिन राहुल, एक दिन योगी जी और एक दिन तुम बनाती हो। आज घर से खाना बनाकर तुम लाए हो लेकिन डिब्बा खुल ही नहीं रहा। अरे खुल गया डिब्बा, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है डिब्बे में से, क्या बनाकर लाए हो? अरे ये तो दाल है, दाल तो कल खाई थी अखिलेश, आज तुम फिर दाल ले आए। कल योगी जी ने दाल बनाई थी ना बनाई थी घर पर। मोदी जी एक बात पर टिके रहो, अभी आधा डिब्बा जब खुला था तुमने अंदर नहीं देखा था तो ये कह रहे थे बड़ा अच्छी खुशबू आ रही है, जैसी डिब्बा खोलकर देखा दाल को कहने लगे कि दाल मुझे पसंद नहीं है। चलो मोदी जी भूख बहुत तेज लगी है, खाना जल्दी शुरू करो, चलो आज दाल ही खा लो, कल को मैं तुम्हें कड़ी चावल खिलाऊंगा, कड़ी बनाकर लाऊंगा यहाँ खेत पर। वैसे मोदी जी दूसरा वाला डिब्बा खोल कर देखो, उसमें मैं चटनी लाया हूँ, हरी मिर्च की चटनी, वो खाओ। अरे अखिलेश इतनी देर से बता नहीं रहे हो कि चटनी भी लाए हो हरी मिर्च की, अब तो मजा आ गया, अब तो दाल के साथ हरी मिर्च की चटनी में मजा आ जाएगा। चलो मैं भी अब चटनी ही खाऊंगा क्योंकि मुझे चटनी बहुत पसंद है हरी मिर्च की। अखिलेश ये तुमने बड़ा अच्छा काम किया जो हरी मिर्च की चटनी ले आए खेत पर। पहले तो मेरा दिमाग खराब हो गया था जब मैंने देखा कि खाली दाल है, लेकिन अब चटनी देखकर दिल खुश हो गया। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।